अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। इतनी तैयारी किस लिए कर रहे हो केनिची? कल मैं युमिको से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, हम दोनों एक साथ प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। तब तो मुझे भी तुम्हारे साथ आना चाहिए। नहीं अतोरी, आज मैं अकेला ही जाऊँगा, हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। अगर वो हमारा बीच में आ गया तो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है? वो कुछ भी कर सकता है। मैं उस हमारा से डरता हूँ। हाँ, कल अगर वो हमारे बीच आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मैं तो समझ गया, लेकिन केनिची, अब कल कोई गड़बड़ नहीं होगी। कल मैं तुम्हें ऐसे चक्कर में घुमाने वाला हूँ कि युमिको से मिलना भूल जाओगे। बस देखते जाओ बच्चू। मैं जा रहा हूँ। डिंग डिंग डिंग, अगर केनिची ने मुझे देख लिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मुझे छुपकर ही उसकी हिफाजत करनी चाहिए। ना 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 ना। हाँ? अरे दादी माँ, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है। अरे गिर कर रहे हो? गिर गए, गिर गए। क्या मैं आपकी कोई मदद करूँ? जरा तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? क्या कहा, घर तक छोड़ दूँ? अगर मैं इन्हें छोड़ने गया तो युमिको से मिलने मुझे बहुत देर हो जाएगी, क्या करूँ? ये दादी माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, चलो चलकर देखता हूँ। मेरा घर उस तरफ है, जरा छोड़ दोगे बेटा? आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ओ, मुझे लगता है ये हमारा है। अरे रे 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 रे, मर गए रे। डिंग 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 डिंग, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। ये केनिची बहुत नादान है, अपने भोलेपन के चक्कर में हमेशा ही मात खाता है। उस तरफ जाना है, देखो उस तरफ। अब इस तरफ मुड़ो, अब इस तरफ मुड़ो, अब इस तरफ, अब इस तरफ, नहीं इस तरफ, नहीं इस तरफ, नहीं उस तरफ, अरे इस तरफ, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे उस तरफ ऊपर चढ़ो। अरे क्या कर रहे हो? अरे अब इस तरफ, शाबाश बच्ची। नानी बनकर इसने केनिची को बहुत बेवकूफ बनाया, अब मैं इसको इसकी नानी याद दिलाता हूँ। बस थोड़ा सा ही बचा है। बस अब और नहीं चला जाता मुझसे। अरे बेटा, इस बूढ़ी को बीच रास्ते में ही छोड़ दोगे? अच्छा अच्छा, छोड़ देता हूँ। उस तरफ जाना है। अब देखो मेरा कमाल, मेरी पीठ पर बैठ जाइए। तुम्हारा भला हो बेटा। मारा, ये तो तुम हो। कैसे तुम्हें बेवकूफ बनाया? इस हमारा को तो मैं। अरे नहीं, लेट हो गया, वहाँ युमिको मेरा इंतजार कर रही होगी, चलो। डिंग डिंग, ये हमारा इतनी आसानी से बाज नहीं आने वाला, मुझे केनिची पर कड़ी नजर रखनी होगी। देखता हूँ तुम कैसे पहुँचते हो। डिंग डिंग डिंग, अरे ये क्या? मेरे होते हुए मेरे दोस्त को कुछ भी नहीं हो सकता, समझे तुम शैतान कहीं के? मैं आ गया। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हें आने में इतनी देर हो गई, तो मुझे लगा तुम शायद नहीं आओगे। तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसा कभी हो सकता है भला? चलो हमें उधर से ट्रेन पकड़नी है। चलो चले। आखिरकार ये यहाँ तक पहुँच ही गया। वाह, कितने सुंदर है, मैं इनकी जानकारी अपनी रिपोर्ट में लिखती हूँ। मैं ये सब लिखने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तुम मुझसे ज्यादा होशियार जो हो। तुम रुको, मैं अभी आई। हाँ ठीक है। हाँ, यकीन नहीं हो रहा कि मैं या युमिको के साथ अकेला आया हूँ। आराम से बैठे हो, अभी दिखाता हूँ। अरे ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया?
ओ, ये हथौड़ी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये लो आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तुम्हें पसंद है ना? अब जरा इसका जवाब दो हथौड़ी। अरे मेरे ब्लेड तो खत्म हो गए। मम्मी हम आ गए। कुछ मत बताना। हाँ हाँ, हम मम्मी को कुछ नहीं बताएंगे वरना मम्मी बहुत नाराज होंगी। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। आ गए तुम लोग, चलो अब जल्दी से हाथ पैर धो लो। ठीक है। दोस्ती में किसी को फूल मिले और किसी को कांटे मिले। शिशे मानू ये लो। भैया मैं ऊपर खा रहा हूँ। अब ये पकड़ो। ये मैं खाऊंगा, खाऊंगा। क्या अभी तक तुम इतना भी नहीं सीखे? ये लो। एक निंजा डॉगी होने के नाते ये सब तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। मैं फेंक रहा हूँ, पकड़ो। निंग 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 निंग। अब ये सब तुम भी करके दिखाओ शिशी मानू। ये लो। अब अंदाजा लो कि ये कहाँ गिरेगा। अरे वो बिस्किट कहाँ गया? बड़ा मजा आया इसे मुझे बनाया। लेकिन वो बिस्किट अचानक गया कहाँ? वो जो मेरे पास है। अरे हटाओ। देखा, अंदाजा लिया तो हो गया है ना? अरे ओ शिशुमानु, ऊपर से क्या गिरा जो तुमने निगल लिया? मेरा हीरा कहाँ गया? शहर के लोगों को सूचित किया जाता है कि शहर के जाने माने जौहरी कीमजी का एक कीमती हीरा चोरी हो गया है। कृपया पुलिस के हवाले करके काम के लिए उचित इनाम दिया जाएगा। इसे हड़पने की कोशिश करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई। शिंजो, कहीं शिशिमानु ने वो हीरा निगल तो नहीं लिया ना? हो सकता है। क्या कहा, शिशिमानु ने एक बड़ा हीरा निगल लिया? जहाँ से वो हीरा गुम हुआ था हम वहीं आसपास थे और शिशिमानु ने बिस्किट के बदले कुछ और निगल लिया था, इसीलिए हमें ऐसा लगा। अगर ये हीरा हम बरामद करके पुलिस के हवाले करते हैं तो हमें इनाम मिलेगा। इनाम मिले या ना मिले, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है। ठीक है फिर हम। अच्छा तो ये बात है। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मम्मी, हमें शिशिमानो से फायदा होने वाला है। अच्छा, क्या कहा उसने? पता है, केनिची अभी अभी कह रहा था कि हम लोगों को शिशिमानो से बहुत सारा फायदा होने वाला है। ये बच्चे और इनकी बातें यही जाने। अच्छी बात तो ये है कि सब लोग आपस में खुश रहते हैं। हाँ। वो नहीं है, वो यहाँ नहीं है। शिशिमानु, शिशिमानु। समझ में नहीं आ रहा शिशिमानु कहाँ गया होगा। शिशिमानु। मुझे मालूम है कि तुम्हें हीरा निकला है, चलो जल्दी से उगल दो। जाते अब कैसे भागोगे बच्चे? ये इसने कैसे किया? रुको, भाग के गाओ। डिंग डिंग डिंग, लगता है वो उस तरफ गया है। चलो अब जल्दी।
जल्दी से मेरा मुंह से बाहर निकालो वरना तुम्हें यूं ही लटका रखूंगा और कोई बचाने भी नहीं आएगा। तुम और यहाँ हमारा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिशिमानु को ऐसा लटकाने की? हाँ मुझे भी भागना चाहिए। इसमें और शिशिमानु में कितना फर्क है, दोनों भी शिशिमानु से हीरा उगलवाना चाहते थे केनिची। लेकिन हम वो कैसे उगलवाएंगे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास एक आइडिया है। शिशिमानु ये लो तुम्हारा मनपसंद रोल। आओ मेरा फेवरेट चॉको रोल। लो लो और लो और खाओ। क्या बात है, आज तो हटोले में भी बहुत खुश है। लो लो और लो। बहुत बड़ा सा। तो तुम अपना काम शुरू करो शिंजो। बहुत स्वादिष्ट है, आलोगे आओ खाऊंगा। क्या हुआ? लगता है कि जो काम वो करना चाह रहे थे वो पूरा हो गया है, इसीलिए सारे बच्चे इतने खुश हैं। ये बच्चों की दुनिया भी कमाल है। हमें लोगों को सूचित किया जाता है कि जिस हीरे की गुम होने की खबर थी वो हीरा नकली है। लोगों को होने वाली असुविधा के लिए हमें बेहद खेद है। ये हीरा नकली है दोस्त। बताइए ना मम्मी, हम साथ क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि वो सिर्फ बड़ों की पार्टी है बेटा, बच्चों की होती तो तुम्हें जरूर ले जाते। ठीक है आप जाइए, आप खूब मजे कीजिए। हाँ मजे कीजिए। हाँ जरूर करेंगे। शिशिमानु तुम्हें तो इन सब का ख्याल रखना है, आई बात समझ में? ओ, समझ गया समझ गया। चलते हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ बाय बाय बाय। अच्छा तो अब ये बच्चे घर में बिल्कुल अकेले हैं। मुझे तो चक्कर आ रहा है। अब ये कुछ घंटों तक आराम से सोया रहेगा और मेरा काम आराम से हो जाएगा। मैं असल में केनिची, देखो कोई आया है। आ रहा हूँ। आपका नाम क्या है अंकल? अंकल मेरा नाम रोनी डिसूजा है। आप यहाँ किस काम से आए हैं? अब वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा सबसे मिल लूं। तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा और मम्मी पापा की गैर हाजिरी में इन्हें घर में लेना ठीक नहीं होगा, क्या कहते हो? सोच लो ये मेहमान है। अंकल मम्मी पापा घर पे नहीं है। ठीक है मैं चला जाता हूँ। कैसे जा सकते हैं? अब आए हैं तो चाय पी कर जाइए। तुम लोग जोर डाल रहे हो तो ठीक है। आप हमारे मेहमान हैं। तुम्हारी मर्जी, मेरा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। अच्छा ही है ये बच्चे इतने नादान हैं। हथौड़ी मुझे इस आदमी के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ केनिची। बहुत अच्छे हथौड़ी, तब तो हम दोनों मिलकर उसे अच्छा मजा चखाएंगे। चलो पहले मेहमान की खातिर कर ले। ये लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हैं? लीजिए चाय पीजिए। शुक्रिया। टिंगनिंग। अच्छा मुझे थोड़ी शक्कर मिलेगी क्या? मैं अभी लेकर आता हूँ सर। अब मैं इन सबसे पीछा कैसे छुड़ा पाऊंगा?
मैंने सोचा कि पहले आपको एक करतब दिखा दूं। और मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूं। मैं जरा वॉशरूम हो के आता हूं। जल्दी आइए, फिर बैठकर बात करेंगे। आता हूं। ये बच्चे उतने भी नादान नहीं हैं। यहाँ काम करना उतना आसान नहीं होने वाला है। मैं यहाँ से जाता हूँ, इससे पहले कि कोई देख ले। अंकल, आप तो वॉशरूम गए थे ना। मैंने सोचा थोड़ा आपका घर देख लेता हूँ। अब इस छुटकू से पीछा कैसे छुड़ाऊं? अरे छोटू, तुम्हें आइसक्रीम अच्छी लगती होगी ना, ये लो। शुक्रिया। अच्छा तो औरतें रसोई में पैसे रखती है? कहाँ पैसे छुपा दिए? अब क्या है, प्यास लगी थी। कहो क्या बात है बेटा? आपने शिंजो को पैसे दिए इसीलिए थैंक यू। हाँ, वो उसे आइसक्रीम खानी थी ना। तुम्हें चाहिए तो तुम भी ले लो बेटा। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो सच में बहुत अच्छे हैं। हाँ, ऐसा करो तुम हथौड़ी के लिए भी ले जाओ। अरे वाह, शुक्रिया अंकल, हथौड़ी। अच्छा, मुझे बेवकूफ मत समझो, ये पैसे मैं तुम्हारे ही घर से वसूल करूँगा। मिल गया, मुझे पता था यही पर्स होगा। क्या ये खाली है? हमें अकेला देखकर ये घर में घुस आया है। ये पक्का चोर है। हाँ, और मुझे लगता है ये पैसे चुराने के लिए घर में इधर उधर घूम रहा है। कहीं ये हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान न कर दे, है ना? हथौड़ी भाई के होते हुए तुम्हें ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, चलो उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। समझ नहीं आता। मैंने सोचा मेहमान से मिलूं। कौन है आप? दादाजी होंगे। प्रणाम। कैसे हो बेटा? हाँ, ये दादाजी कहाँ से टपक पड़े? कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ दादी माँ। चाय पीकर जाना। अब ये दादी माँ कहाँ से आ गई? कैसे हैं आप? आप कौन है? मैं केनिची का अंकल हूँ। लेकिन मुझे तो लगा था कि बच्चे अकेले हैं घर पर। इसीलिए तुम घर में चोरी करने के लिए आए। अरे ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। बोल रहे हो तुम। अरे भागो, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। डिंग डिंग डिंग। आई 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 डिंग डिंग। हथौड़ी के होते हुए हमारे इस घर में कोई चोरी नहीं कर सकता। आच्छू, आच्छू। बताओ क्या बात है, अब तुम जैसे गुंडे को किसकी शिकायत लिखवानी है? शिकायत है उन तीन शैतान बच्चों के खिलाफ जिन्होंने मेरी नाक में दम कर दिया। जी हाँ। बताओ तुमने ऐसा क्या किया था उन लोगों के साथ? मैं तो सिर्फ उन लोगों से मिलने गया था सर। मिलने गए थे या चोरी करने गए थे? मेरा इरादा पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मेरे कपड़े उतरवा लिए सर, मेरा यकीन मानिए। मुझ जैसे ईमानदार अफसर के सामने झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। अरे चलो दफा हो जाओ यहाँ से। हम सब ने मिलकर उस चोर की अच्छी छुट्टी की। अलाब उसके पैसे से कोल्ड ड्रिंक लाकर खूब मजा आ रहा है। ये हमारी मेहनत के पैसे हैं। इसी बात पर हो जाए दोस्ती जिंदाबाद।